नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती 2019 के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसी अफवाहें उड़ती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि इतने हज़ार पदों के लिए शिक्षा मंत्री ने जो है वो घोषणा की है या मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो काफ़ी दिनों से एक जो पोस्ट है वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो, वहाँ पर एक पोस्ट की जा रही थी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ये घोषणा की है कि 86,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो काफ़ी दिन तक ये यूट्यूब और कई अन्य सोशल मीडिया में चलता रहा, तो हमने सोचा कि इसकी हम सच्चाई जानते हैं। क्या वाकई में ही ऐसी कोई ट्वीट या ऐसा कोई घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा की गई है? तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो जब हमने दोस्तों अपनी रिसर्च की, रिसर्च वसुंधरा जी का जो जिस ट्वीट अकाउंट के बारे में बात की जा रही थी, ट्वीट के बारे में बात की जा रही थी, तो हमने वसुंधरा राजे जी का जो ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, उसको हमने चेक किया। तो जब वसुंधरा जी का जो ऑफिशियल हमने ट्विटर हैंडल चेक किया, तो उस पर हमें एक सेप्टेम्बर 2018 शाम 7:51 की ये पोस्ट है, जिसके अंदर वसुंधरा जी ने ट्वीट किया था कि जल्द ही 86,000 नए अध्यापकों की भर्ती शुरू की जाएगी तथा चयनित अध्यापकों को भी नियुक्ति देने का काम हम करेंगे। और इसके बाद में उन्होंने एक अपनी जो उस दिन की गौरव यात्रा के दिन की जो उनकी जो फीडबैक उनका रहा, उसके बारे में चर्चा की। तो गौरव यात्रा के दौरान इन्होंने ये घोषणा की है, जिसमें 1 सितंबर 2018 को इन्होंने ट्वीट किया है और इनके फेसबुक अकाउंट पर भी यही पोस्ट आपको मिल जाएगी। आप ऑफिशियल जो वसुंधरा राजे जी का अकाउंट है उस पर जाके चेक कर सकते हैं, ट्विटर पर चेक कर सकते हैं, फेसबुक पर चेक कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये एकदम जेन्युइन खबर है, एकदम सही खबर है। 86,000 नए पदों की भर्ती की इसमें बात की गई है, वसुंधरा राजे जी के द्वारा घोषणा की गई है, और ये जो खबर है वो एकदम सही है। तो दोस्तों, हमारा ये काम है कि हम आपको जो फेक और जो ऑथेंटिक और रियल जो खबरें आती हैं एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, उनके बारे में आपको अवगत कराना। तो यही हमारा उद्देश्य था इस वीडियो का, ताकि आप गुमराह ना हो किसी तरीके की अफवाह में, या फिर कई बार इन इस तरह की जो अफवाहें आती है उनकी वजह से हमारा जो पढ़ाई से ध्यान है वो भटकता है और हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो इस तरीके के कन्फ्यूज़न में ना रहें। जब भी आपको ऐसी कोई अफवाह दिखाई दे या कोई आपको खबर मिले, तो आप ऑफिशियल अकाउंट चेक करें जहाँ से भी खबर आने की बात की जा रही हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट, चाहे वो शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट से संबंधित जो भी आने वाली अपडेट होती है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। और रीट लेवल 2 का जो थर्ड ग्रेड के लिए फाइनल जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, उसका रिज़ल्ट जो आने वाला है, तो सबसे पहले जैसे ही वेबसाइट पे अपडेट होगा, आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो रिज़ल्ट घोषित हो रीट लेवल 2 थर्ड ग्रेड रिक्रूटमेंट के लिए, जो मेरिट लिस्ट आए, फाइनल कट ऑफ आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।